Hello, dear students. I am Ruchika from Success Cities Education, and here we'll discuss the application process for NDA/NA exam 2019. आप में से जो भी कैंडिडेट नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसकी 2019 की नोटिफिकेशन आ गई है, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, एंड हियर आई टेल यू व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस. सो लेट अस सी. Now, first of all, the most important thing is that you have to apply online on the website over here that is mentioned. अब हम कुछ important date देखते हैं. Application form submit करने की last date है 4th February 2019 till 6 pm. और इस साल से UPSC ने एक नई provision add की है. Applications withdraw भी की जा सकती हैं. उसकी dates हैं 8th February 2019 to 14th February 2019 till 6 pm. एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखिए कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पेनल्टी भी लगेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए, इसलिए अपने आंसर ध्यान से मार्क कीजिए. अब डिस्कस करते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है. जब आप upsconline.nic.in पे जाएंगे, ऐसा स्क्रीन अपियर होगा आपके सामने और आप यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी पर क्लिक करेंगे. ऐसा पेज खुल जाएगा, ऐसा स्क्रीन होगा आपके सामने. यहाँ पर देखिए NDA/NA एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए दो पार्ट्स हैं रजिस्ट्रेशन के. पहले आप पार्ट वन रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर पार्ट वन. जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा स्क्रीन आ जाएगा जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जरूरी है. आइए इनमें से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम डिस्कस करते हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते जब आप उसे सबमिट कर देंगे, इसलिए सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से चेक कर लें. आप एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश और हिंदी भाषा में से किसी भी भाषा में भर सकते हैं. जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट वन है उसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, और पार्ट टू में स्टेजेस हैं. वो स्टेजेस क्या हैं? आपने फी पेमेंट की डिटेल्स भरनी है, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है, फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फोटो आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और डिक्लेरेशन एग्री करनी है. यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपकी जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड होगा उसके क्या फॉर्मेट और कितना साइज होना चाहिए, आप प्लीज इसे ध्यान से चेक कर लीजिए. अपलोड करने से पहले अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर इंश्योर कर लीजिए कि वो इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए. तो अब जैसा कि हमने सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख ली हैं, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है हैव यू रेड एंड अंडरस्टूड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड ऑप्शंस इज येस और नो. तो हम जब येस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने पार्ट वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है. पार्ट वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद नेक्स्ट स्टेप है फी पेमेंट, उसके बाद है सेंटर सिलेक्शन, फिर है फोटो सिग्नेचर एंड फोटो आईडी कार्ड अपलोड, और उसके बाद डिक्लेरेशन एग्री करना. तो ये है पांच स्टेप्स आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के. स्टेप वन में देखते हैं जो पार्ट वन है रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपने अपनी डिटेल्स भरनी है. सबसे पहले तो आप अपना नाम फिल करेंगे. आपका नाम वैसे ही होना चाहिए जैसे कि आपके क्लास टेंथ के मार्कशीट में दिया गया है, और नाम से पहले मिस्टर या मिस ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा. उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे. जैसे कि ये एग्जाम सिर्फ मेल्स के लिए ही है तो यहाँ पर मेल ऑप्शन ही दिया गया है, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो भी वही होना चाहिए जो आपके क्लास टेंथ के मार्कशीट में है. फिर आप अपना फादर्स नेम डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपनी माता जी का नाम मदर्स नेम डाल देंगे. उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, इंडियन या फिर अदर्स, दो ऑप्शंस में से जो भी आप पर अप्लाई करता है. और फिर मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड ही आएगा क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ अनमैरिड मेल्स के लिए ही है. नेक्स्ट में आप अपनी कम्युनिटी यानी के समुदाय सिलेक्ट करेंगे. आप जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी किस कैटेगरी में है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे. अगर आप किसी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे. और अगर आपको फी पेमेंट माफ है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे. फी पेमेंट उन लोगों के लिए माफ है जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं या फिर जेसीओ एनसीओ या किसी रैंक ऑफिसर के बेटे हैं.
उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स भरेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे, एड्रेस का लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आएगा। स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शंस में से, यहाँ पर अपना पोस्टल पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर आप अपना फोन नंबर देंगे अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है, और ये भरना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे जो कि कंपलसरी है। सभी कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर देंगे और ध्यान दीजिए जिन जिन ऑप्शंस पे ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है एस्ट्रिक्स, वो वाले कॉलम्स को फिल करना कंपलसरी है। तो इसी तरह मोबाइल नंबर भी फिल करना कंपलसरी है, और फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी लिख देंगे। ध्यान दीजिए वही ईमेल आईडी लिखिए जो आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो ईमेल द्वारा ही कम्युनिकेट करेंगे। फिर आप दोबारा से ईमेल आईडी टाइप करके उसे कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो प्लीज एक बार सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए और उसके बाद ही कंटिन्यू पर क्लिक करिए। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप फर्दर जो स्टेप्स हैं वो लॉगिन करके फिल कर सकते हैं। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर से आप लॉगिन करेंगे और फिर आप अपनी फी पेमेंट कर सकते हैं, सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर और फोटो आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, और डिक्लेरेशन को एग्री करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने देखा कि एनडीए एनए एग्जाम 2019 का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या था। अगर आप इस एग्जाम की और जानकारी चाहते हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.successcds.net। थैंक यू।